देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 2 दिया है, 10x प्लस कॉट स्क्वायर, 10x प्लस कॉट x के होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर x प्लस 2ab यानी कि 2 10x into cot x dx। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को? कोई दिक्कत है तो बोलिए सर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद से देखिए आई 10 अलग अलग करेंगे तो 10 स्क्वायर x dx, चाहे रुकिए अभी इसको ये नहीं करेंगे, अभी रुक जाइए। 10 स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, 10 स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, प्लस के प्लस, और cot स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 के 2, और 10x इंटू cot x का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए माइनस एगो और माइनस एगो कगो, माइनस दू गो, माइनस 2 और प्लस 2, आपका क्या हुआ कट गया, ये वाला कट गया, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बचा है आपका, आपका बचा है sec स्क्वायर x, तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका 10x होता है, और cosec स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, और प्लस c आपका आंसर हो गया, ठीक है। बता दीजिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा।